लोकसभा चुनाव में कायस्थ उम्मीदवारों को ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस समर्थन देगा। ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस ने लोकसभा चुनाव में देश के किसी भी संसदीय क्षेत्र से किसी भी दल से या निर्दलीय चुनाव लड़ रहे कायस्थ प्रत्याशियों को अपना समर्थन देने का निर्णय लिया है। इस आशय का निर्णय ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस की प्रबंध न्यासी रागिनी रंजन की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। जीकेसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपक कुमार अभिषेक ने यहां बताया कि ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस ने लोकसभा चुनाव में आसनसोल पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा, पटना से भाजपा के रविशंकर प्रसाद, भोपाल से कांग्रेस के अरुण श्रीवास्तव, रांची से कांग्रेस की यशस्विनी सहाय और उत्तर प्रदेश के लखनऊ पश्चिम से विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी ओपी श्रीवास्तव को अपना समर्थन देने का फैसला किया है। जीकेसी ने अपने सभी सदस्यों को पूरी ताकत से इन उम्मीदवारों को विजयी बनाने में लग जाने को कहा है। प्रबंध न्यासी रागिनी रंजन ने बताया कि जीकेसी के सभी प्रदेश इकाइयों को यह निर्देश दिया गया है कि जिन क्षेत्रों से कायस्थ प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी से हो, उन्हें अपना भरपूर समर्थन दे। यदि किसी क्षेत्र से कायस्थ जाति के दो या दो से अधिक उम्मीदवार हों तो उसे उस जगह पर कायस्थ जाति से जीतने की संभावना वाले उम्मीदवार को एकजुट होकर अपना समर्थन दे ताकि वोट का बंटवारा नहीं हो सके। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, महाराष्ट्र आदि राज्यों से लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव में कायस्थ उम्मीदवारों को समर्थन देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच जीकेसी के राजनीतिक प्रकोष्ठ के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन माथुर, सुनील कुमार श्रीवास्तव, शुभ्रांशु श्रीवास्तव, नवीन कुमार आदि पदाधिकारियों सदस्यों ने संगठन के इस निर्णय की सराहना की है और इस निर्णय पर अमल करने के लिए सभी से आग्रह किया है। गौरतलब है कि ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस कायस्थों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक हित के लिए कार्यरत संगठन है, जिसका देश के 20 से अधिक राज्यों में सशक्त तथा प्रभावी संगठन है। ब्यूरो रिपोर्ट, द कायस्थ एक्टिविज्म।